हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का देव एमटीआर चैनल में। तो दोस्तों, ये है हीरो की एचएफ डीलक्स BS6 किक स्टार्ट ड्रम एलॉय व्हील्स मॉडल। एचएफ डीलक्स में आपको 5 वेरिएंट मिलते हैं। सभी वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। BS6 आने के बाद माइलेज कितना देती है, क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, ऑन रोड प्राइस कितना है, क्या क्या न्यू फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो इसकी बॉडी शेप एंड साइज में ज़्यादा कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पहले आती थी वैसे ही है। इसके वाइजर पे आपको हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है। नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है 35 वाट के बल्ब के साथ। इसके साथ ही इसके वाइजर पर आपको ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बेस मॉडल है। इससे ऊपर का अगर आप मॉडल लेते हो तो वहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे। नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही इसके मडगार्ड पे आपको IBS का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाएंगे विद ब्लैक फिनिश के साथ। इसकी जो थीम है वो ब्लैक दी गई है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। फ्रंट और रियर की जो ब्रेक हैं वो दोनों एक साथ काम करती हैं। यहाँ पे आपकी जो मीटर की जो केबल है, मीटर गिरारी, वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। 2.75/18 का यहाँ पे आपको जो है टायर मिल जाता है, केंडा कंपनी का। इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बड़े बड़े ग्राफिक्स दिए गए हैं इसके फ्यूल टैंक के ऊपर। हीरो का स्टिकर भी आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक पे मिल जाता है। इसके पैनल पे भी आपको HF डीलक्स का लोगो मिल जाता है। इसके पीछे की साइड में आपको जो है ग्राफिक्स नहीं दिए गए हैं। टेल लैम्प के जो पैनल होता है यहाँ पे आपको जो है हीरो का लोगो मिल जाता है। इसके साथ ही ऊपर की साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक मेटल का ग्रैब हैंडल मिल जाता है ब्लैक फिनिश में। और इसके साथ ही इसकी सीट की जो क्वालिटी है, जो कुशनिंग है, वो स्प्लेंडर से मिलती जुलती है। जो क्वालिटी है वो अच्छी है। इसके साथ ही इसकी जो टेल लैम्प है उसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। नॉर्मल नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं और टेल लैम्प के नीचे आपको जो है रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। चलते हैं इसकी दूसरी साइड में। यहाँ भी आपको जो HF डीलक्स का लोगो मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ भी आपको बड़े बड़े ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसका ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आपको प्रोग्रामेड FI का यहाँ भी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो इसके मीटर कंसोल में आपको एनालॉग टाइप के दोनों मीटर मिलते हैं। 140 किलोमीटर/आवर की यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है। इकोनॉमी जोन भी दे रखा है हाईएस्ट माइलेज पाने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट एंड इंडिकेशन लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको गियर को न्यूट्रल करने की लाइट भी मिल जाती है। माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट मिल जाती है। लो बीम हाई बीम इंडिकेशन लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको पेट्रोल के लिए सेपरेट फ्यूल मीटर दे रखा है। इसके साथ ही यहाँ पे इसके हैंडल बार पे लो बीम हाई बीम का स्विच दे रखा है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का स्विच दे रखा है। यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच होगा। यहाँ पे आपको पासिंग लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सेल्फ का स्विच भी नहीं मिलता है। I3S का स्विच भी नहीं मिलता है क्योंकि ये बेस मॉडल है। यहाँ पे आपको दो मायरर मिल जाते हैं, साइड मायरर, जो कि नॉर्मली टाइप के होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे फ्यूल टैंक की बात करें तो इसकी जो शेप एंड साइज है वो पहले की तरह ही है। 9.6 लीटर फ्यूल इसमें जो है आराम से आ जाता है। करूँ इसके इंजन और पावर की, तो इसमें आपको 97.2 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का इंजन मिलता है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 8.02 PS एट 8000 RPM पे। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 8.05 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM पे। माइलेज की बात करूँ तो पहले से ज़्यादा 10% आपको माइलेज मिलने वाला है। माइलेज आपको ये देगी तकरीबन 65 से 75 किलोमीटर/लीटर का। तो इसमें आपको जो है प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टूल बॉक्स भी दिया गया है। यहाँ पे इंजन की जो फिनिश है वो सिल्वर में दी गई है और यहाँ पे फ्यूल कैप भी दिया गया है। इसके हेड पे आपको जो है ऑक्सीजन सेंसर दिया गया है सेपरेट। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ भी आपको सेंसर दिए गए हैं, बहुत सारे सेंसर हैं इसमें। यहाँ पे आपको लेग गार्ड का ऑप्शन भी मिलता है और इसके एग्जॉस्ट पे आपको कैटेलिटी कन्वर्टर मिलता है ब्लैक फिनिश में। और इसके एग्जॉस्ट पे आपको जो है क्रोम की प्लेट दी गई है, काफ़ी ज़्यादा लंबी और जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं, किक स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसकी जो ब्रेक पैड की जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिससे आपका जो जूता चप्पल है वो जले नहीं। चलते हैं इसके पीछे की तरफ। यहाँ पे आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल रियर शॉकर मिल जाते हैं, जिन्हें आप जो है अपनी वेट और डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लैक फिनिश में आपको जो एलॉय व्हील्स मिलते हैं 18 इंचेस के, 2.75/18 का यहाँ भी आपको टायर का साइज मिलता है।
फ्रंट और रियर वाले जो टायर के जो साइज हैं वो सेम हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ भी आपको ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके दूसरी साइड में तो यहाँ पे आपको जो है ब्लैक फिनिश में इसका साडी गार्ड मिल जाता है, 5-स्टेप एडजस्टेबल रियर शॉकर मिल जाते हैं ब्लैक एंड क्रोम फिनिश में, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल फुट रेस्ट भी मिल जाते हैं और इसका जो चैन सेट का जो कवर है वो आपको प्लास्टिक की फॉर्म में मिल जाता है। इसके साथ ही इसके जो चैन सेट गिरारी का जो कवर होता है वो भी आपको प्लास्टिक में मिलता है। और यहाँ पे आपको जो इंजन का जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक एंड सिल्वर में दिया गया है। इसमें आपको प्रोग्रामेड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है, कार्बोरेटर को रिमूव कर दिया गया है। BS6 बाइक लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसमें 50-60 रुपए की पेट्रोल भर के बिल्कुल भी मत चलाना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। इलेक्ट्रिकल तरीके से इसमें जो है आपको फ्यूल सप्लाई होती है इंजन में। अगर आप ऐसा करके चलाते हो तो आपको जो है 10 से 15 हज़ार का लॉस हो सकता है। यहाँ पर आपको 4 गियर का मैनुअल सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड पर सेंसर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये ओवरऑल इसका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। BS6 बाइक लेने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो दूसरा कलर ये आपको दिया गया है जो कि सिल्वर फिनिश में है। आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रे जो कलर है ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पे आपको जो है पर्पल कलर ये भी आपको दिया गया है, ये आप देख सकते हो। ये वाला जो रेड कलर है ये भी ज़्यादा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आपको जो है कौन सा कलर इनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। BS6 बाइक लेने से पहले आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, इसमें आप कम से कम 2 लीटर पेट्रोल रिजर्व करके ज़रूर रखना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप 40-50-60 रुपये की पेट्रोल भरकर चलाते हो, तो आपकी जो फ्यूल मोटर की जो असेंबली है वो डैमेज हो सकती है, जिससे आपको 10 से 15 हज़ार रुपये का लॉस हो सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अब इसके ऑन रोड प्राइस मथुरा UP को लेकर। दोस्तों अगर आप इसको किक स्टार्ट ड्रम स्पॉक व्हील्स में लेते हो तो ये आपको 58,084 रुपये की ऑन रोड मिल जाएगी। अगर आप इसको किक स्टार्ट ड्रम एलॉय व्हील्स में लेते हो तो ये आपको 59,203 रुपये की ऑन रोड मिल जाएगी। अगर आप इसको सेल्फ स्टार्ट एलॉय व्हील्स में लेते हो तो ये आपको 68,362 रुपये की ऑन रोड मिल जाएगी। अगर आप इसको सेल्फ स्टार्ट एलॉय व्हील्स ऑल ब्लैक फिनिश में लेते हो तो ये आपको 65,226 रुपये की मिल जाएगी। अगर आप इसको सेल्फ स्टार्ट एलॉय व्हील्स i3s टेक्नोलॉजी के साथ लेते हो तो ये आपको 69,733 रुपये की ऑन रोड मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था हीरो एजेंसी फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल्स राया मथुरा का ऑन रोड प्राइस, तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।